परिजनों से जो तपती धूप में काफी देर से बैठे हैं, हमारे लोगों का उत्साह बढ़ा रहे हैं, हमें संबल प्रदान कर रहे हैं, उन सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। माताएं बैठी हैं, मातृशक्तियों को भी प्रणाम। साथियों, आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। ये विंध्य क्षेत्र भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। बिरसा मुंडा जी को भगवान कोल जनजाति के लोग, आदिवासी जनजाति के लोग, हमारे विंध्य में जब हम लोग बचपन से पढ़ते थे तो मानते आए हैं। एक साधारण आदिवासी परिवार में जन्मा वह बालक जो उस अंग्रेजी सेना के दांत खट्टे करता है जिसके साम्राज्य का सूरज नहीं डूबता था। साथियों, मनुष्य का जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। लाखों जन्मों की पुण्याई जब हो जाती है तो मनुष्य का जन्म मिलता है। अब वो पुण्याई जब दो गुना हो जाती है तब भारत भूमि मिलती है। भारत का नागरिक होने का और भारतवासी बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वही पुण्याई जब तीन गुना हो जाती है तो अपने धरती पर, अपने धरती के लिए, अपने मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर करने का अवसर मिलता है। मातृभूमि पर प्राण न्यौछावर करने वाले लाखों लोगों में एक गरीब आदिवासी परिवार में जन्मा साधारण बालक जो मात्र 23-24 वर्ष की उम्र में भगवान बन जाता है, धरती आवा बन जाता है, भगवान का रूप कहा जाने लगता है, भगवान के रूप में पूजा जाने लगता है, तो कुछ तो रहा होगा, कुछ तो रहा होगा उसमें जिसने संथाल परगना में अंग्रेजों को लगभग 2.5-3 वर्ष घुसने नहीं दिया। उसके नाम से रूह कांप जाती थी। उस आदिवासी युवक ने जो 1875 में जन्मा और 1900 ईस्वी में मातृभूमि के चरणों में अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए, प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन जाते जाते हम लोगों को ये बता गया ये कि पूजे न गए शहीद तो ये बीज कहाँ से आएगा, पूजे न गए शहीद तो ये बीज कहाँ से आएगा, इस धरती को मैं खाके माथे पर कौन लगाएगा, माथे पर कौन लगाएगा। तो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर बिरसा मुंडा विचार मंच के अध्यक्ष के नाते मैं मात्र 5 मिनट आपका समय और लूंगा। वक्ताओं की कड़ी लंबी है। 5 वर्ष पहले हम ब्रजलाल जी बैठे थे, आदिवासियों की समस्या पे बात होती थी, राजनीति में प्रवेश करने के साथ ही समाज के समरसता के विषय पर हमको जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मैं त्योहारों में अपने गरीब बस्ती रीवा में रानी तालाब अक्सर जाया करता था, उन्हीं के साथ त्योहार मनाया करता था। रक्षाबंधन के त्योहार मनाने का अवसर आया, बहनों के बीच में हमने जो भी अपने थोड़े बहुत उपहार दिए होंगे, भैया जी अपना लिफाफा छीन के हवली के तरफ चल दिए। थोड़ा सा विचार बदला, मन खिन्न हुआ कि हमारा आदिवासी परिवार, हमारा वंचित परिवार, पीड़ित परिवार 75 वर्ष बाद भी कहाँ है। एक बार उनके बस्ती में भ्रमण करने का अवसर मिला, पहले जाता था, उनके बहुत सारे आदमी अपने साथ काम करते थे, लेकिन दोबारा जब गया तो मन खिन्न हुआ, मन व्यथित हुआ। और
हम बिजलाल जी से बात करके इनके लिए कुछ करना चाहिए। त्योहार तो एक दिन मना लेते हैं, लेकिन इनकी दुर्दशा, इनकी दशा को कैसे सुधार में लाया जाए। सरकारें आती जाती रहती हैं, आती जाती रहेंगी, लेकिन ये वहीं पर है। इसके लिए हम लोगों ने इस विचार मंच का, बिरसा मुंडा विचार मंच का गठन किया। ज्यादा आदिवासी परिवार की जहां तक हम समझे हैं दो तीन समस्याएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य। सरकार की मूलभूत जरूरतें जनता की हैं और सरकार की जिम्मेदारी है इन मूलभूत जरूरतों को पूरा करे, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इन दो चीजों से जनता का विश्वास उठ गया है। एक रिक्शा वाला भी, एक दिहाड़ी मजदूर भी न सरकारी स्कूल में जाना चाहता है न सरकारी अस्पताल में। दुर्भाग्य है इस देश का, दुर्भाग्य है इस देश का नागरिक कहलाने का। हम लोगों का, इन नेताओं को शर्म नहीं आती है। जिस सरकारी स्कूल से वो पढ़े, जिस सरकारी स्कूल से वो आगे बढ़े, आज उसकी दुर्दशा इस हालत में है। तो सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता है? गरीब का बच्चा, आदिवासी का बच्चा। तो हम लोग वो भी कम जाते हैं। तो हमारा बिजलाल जी का, विष्णुकांत जी का यही उद्देश्य रहा कि इनके बीच में जाके शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाए। जब तक शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा तो आदिवासी का स्तर नहीं बढ़ेगा, समाज में बराबरी नहीं आ पाएगी। दूसरा, हमारे आदिवासी भाई नशे की प्रवृत्ति में भी लिप्त हैं। तो नशे से दूर करने के लिए हम लोगों ने एक अभियान चलाया था, रक्षाबंधन का। बहनों को से राखी बंधवाते थे, उनसे तीन वचन लेते थे कि अपने घर को साफ सुथरा रखो, स्वच्छ रखो तो स्वस्थ रहोगे, बीमारी मुक्त रहेगा घर। अपने घर को नशा मुक्त रखो, अपने परिवार, अपने बेटे, अपने पति को नशे से दूर करो तो जिंदगी बेहतर बनेगी। अपने घर को अशिक्षा मुक्त रखो, शिक्षा के साथ जोड़ो और बच्चे बच्चियों को शिक्षित करो तो आपका भला हो जाएगा। भीख मांगने से या सरकारी लालीपाप से आप दौड़ते रहोगे एक मृग तृष्णा की तरह, उससे पेट नहीं भरेगा। न 1250 से, न किसी सरकारी योजना से, न 500 रुपए, 600 रुपए वृद्धा पेंशन से आपका पेट तब भरेगा जब आपका लड़का डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, पटवारी बन जाएगा, मास्टर बन जाएगा, तो आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इसी मूल मंत्र को लेके हम लोगों ने शुरुआत किया। बीच में आया हमारे आदरणीय विधायक जी भी बैठे हैं, त्योथर का नेतृत्व कर चुके हैं। त्योथर में एक कोल गढ़ी थी, कोलों का किला था जो जर्जर अवस्था में था। इतिहास को झुठलाया नहीं जा सकता। त्योथर में 300 साल पहले कोलों की राजधानी हुआ करती थी, कोल राज्य साम्राज्य था। तो उस किले के विषय में हम लोगों ने जागरण यात्रा निकाली। भगवान बिरसा मुंडा के ग्राम ओलिहातू जाके मैंने एक उनपे लघु फिल्म बनाई 26 मिनट की, आप लोगों को देखने के लिए यहाँ LED लगाई गई थी। 26 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, उनके संघर्ष की कहानी, बिरसा मुंडा के जीवन चरित्र की कहानी, और उस कहानी के माध्यम से एक गौरव यात्रा निकाल के हम बृजलाल जी, विष्णुकांत जी, उस यात्रा की परिणति ये हुई कि 300 साल की जर्जर कोलगढ़ी जो है अपने पुराने स्वरूप को प्रदान कर चुकी है और भव्य रूप आकार ले चुकी है। तो बिरसा मुंडा मंच के सभी साथियों को बधाई, साधुवाद और शुभकामनाएं कि आपने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के साथ दिया और इस पुण्य काम को अंजाम दे पाए। आगे
बहुत सारी लड़ाई है। अभी विष्णुकांत जी बता रहे थे कि हम उनसे चर्चा करते हैं कि भाई जीवन जो शेष है उसको विशेष बनाया जाए, नहीं तो अवशेष बन के कहीं किसी को बिछिया मिलेगी, किसी को बिहड़ मिलेगी, किसी को तमस, किसी को गंगा। तो अवशेष तो बनना ही है, तो जीवन को विशेष बनाने के लिए अपने बिरसा मुंडा विचार मंच के माध्यम से गरीबों की, शोषितों की, पीड़ितों की लड़ाई लड़ी जाएगी। हम अपने साथियों से भी कहते हैं कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना शुरू करिए, अन्याय के लिए लड़ना शुरू करिए। निश्चित ही सरकारें सुनेंगी, जागेंगी, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। तो हमारे सभी साथियों से मैं आह्वान करूंगा कि इस लड़ाई में साथ दें। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर आप सभी को एक बार पुनः शुभकामनाएं, बधाई, साधुवाद। यहाँ सब आप लोग पधारे उसके लिए सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन और सभी अतिथियों का अभिनंदन। और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शुभकामनाएं, धन्यवाद।